नोएडा में सर आप 20,000 घर बना के देने वाले थे, उसका प्रस्ताव महानगर पालिका से आया नहीं। हम तैयार है पर, लेकिन मैं अगले हफ्ते में 8-10 दिन में मीटिंग लगाने वाला हूँ भिवंडी महानगर पालिका की और मेरे मंत्रालय की, उसमें अंतिम निर्णय लिया। एनसीपी का एक जनाधार बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? लोगों को विकल्प चाहिए था और एक मजबूत विकल्प राष्ट्रवादी दे सकती है, ऐसा भिवंडी के लोगों को लग रहा है। सर आपने कहा था कि टोरंट का आधा पैसा जो है एनसीपी भरेगी, तो किन किन शहरों के लिए था और वो कब तक एनसीपी भरेगी? हाँ सर, आपने कहा था ना मीटर का, टोरंट मीटर का। हाँ, मुमरा के लिए कहा था मैंने, भिवंडी में नहीं कहा था। सर भिवंडी और मुमरा में टोरंट का इस तरह से बढ़ता प्रभाव दिख रहा है, उसके ऊपर कब काम करेगी एनसीपी? अगर आपके पास कोई भी सबूत है कि टोरंट ज्यादाती कर रही है, मुझे बताइए, आपके साथ मैं टोरंट ऑफिस में घुस जाऊँ। सर पहले मीटर लगाने का 3,000 रुपये लगता था, अभी 8,000 रुपये लगता है। मीटर लगाने के पैसे नहीं लगेंगे, मैं टोरंट वालों से बात करूँगा। आज कलवा मुमरा शीर डायगर दीवा और भिवंडी को लेके ऊर्जा मंत्री डॉक्टर राउत और वित्त मंत्री अजीत दादा पवार, इनके साथ हमारी मीटिंग हुई। तो भिवंडी में बैठे मुमरा का ये कहा था आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुमरा में कहा था। लेकिन अगर ऐसा लोग मीटर अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस कीमत पे अभी वो बेच रहे हैं उसे आधे कीमत में आपको दिया जाएगा। लोगों को विकल्प चाहिए था और एक मजबूत विकल्प राष्ट्रवादी दे सकती है, ऐसा भिवंडी के लोगों को लग रहा है। कलवा मुमरा को देखते हुए हर थाना में एक बात कही जा रही है कि जो कलवा मुमरा में नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ है। पिछले 10-12 साल में मुमरा की हालत कहां से कहां बदल गई, तो उसको देखते हुए लोगों का एक नज़रिया बदल गया है देखने का कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को लाएंगे तो ये 40-50 साल का जो कचरा है, रास्ते नहीं, गटर नहीं, पानी नहीं, उसको सबको साफ करके एक अच्छा। और नोएडा में सर आप 20,000 घर बना के देने वाले थे, उसका प्रस्ताव महानगर पालिका से आया नहीं। हम तैयार है पर, लेकिन मैं अगले हफ्ते में 8-10 दिन में मीटिंग लगाने वाला हूं भिवंडी महानगर पालिका की और मेरे मंत्रालय की, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पर उसको बनाना ही पड़ेगा, ऐसी ही पड़ी हुई जमीन है, कम से कम 10-20 हज़ार घर बनेंगे तो लोगों को घर रहने को मिलेंगे। 500 स्क्वायर फीट के घर बनेंगे, 25-30 लाख रुपये में गरीबों को घर मिल जाएगा, ले लेगा बेचारा अपने अच्छे घर में रहेगा। सर भिवंडी शहर में IGM बहुत बड़ा मुद्दा है हेल्थ को लेकर, मैं अभी मैंने टोपे साहब से बात की है। मैं भिवंडी वालों को कहना चाहता हूं कि आने वाले 8-15 दिन में
क्योंकि मैं खुद अभी गोवा में प्रचार के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आने वाला हूँ 1 तारीख को। 1 तारीख के बाद जब भी वक्त मिलेगा मैं टोपे साहब को लेके भिवंडी आऊँगा। महा विकास आघाड़ी की सरकार है और वही देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कई लोग जो है राष्ट्रवादी में आ रहे, तो इससे महा विकास आघाड़ी के संबंध में कोई बदलाव या कोई उस पर स्थानिक लेवल पे इतना कुछ मायने नहीं रखता है। ये स्थानिक लेवल है, भिवंडी का शहर की राजनीति है। अगर कोई मजबूत विकल्प लोगों को दिख रहा है तो लोग उसका चयन करते हैं ना। सर पार्टी में जिस तरह से भिवंडी से जो लोग कार्यकर्ता जुड़ते हुए दिखाई दे राष्ट्रवादी पे, तो कहीं ना कहीं आज पिछले जब से सोहेब बुड्डू राष्ट्रवादी के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने विकास के कई बातें की है, कई वचन दिए हैं भिवंडी शहर के जनता को, तो क्या वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं? क्योंकि देखा जाए आगामी चुनाव भी नज़दीक है और आचार संहिता भी लग जाएगा, चुनाव के पहले उन्होंने बहुत से काम किए। ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। मैं अगर लोगों को ये कहूँगा कि देखूँगा चुनाव के बाद बोलता हूँ तो आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था 100 MLD पानी आ गया ना, मंजूर हुआ ना, वैसा जो भी कहा गया है और जो करने लायक है उसमें 24 घंटा भी देरी नहीं लगेगी। सर वो जो 100 MLD की आपने जिक्र किया तो उसका प्रोसेस क्या है, मतलब कितने महीनों के या कितने दिनों के अंदर? वो तो लंबा प्रोसेस है क्योंकि उसको तक के मतलब उसकी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, उसका खर्चा, ये वो लंबा प्रोसेस है। सर आपने एक बड़े पैकेज जो है भिवंडी शहर के विकास के लिए बहुत बार आपने मतलब अपने शब्दों में कहा, तो पैकेज कब तक के मतलब भिवंडी शहर को? मैं आने वाले दिनों में सभी नगर सेवकों को लेके अजीत दादा पवार को मिलने वाला हूँ और मैं पैकेज की मांग करने वाला हूँ और एक अच्छा खासा पैकेज हम लेके आएंगे। सर आपने कहा था कि टोरेंट का आधा पैसा जो है NCP भरेगी, तो वो किन किन शहरों के लिए था और वो कब तक NCP भरेगी? हाँ सर आपने कहा था ना मीटर का, टोरेंट मीटर का। हाँ मुमरा के लिए कहा था मैंने, भिवंडी में नहीं कहा था। सर भिवंडी में बैठ के मुमरा के लिए कहा था आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुमरा में कहा था। लेकिन अगर ऐसा लोग मीटर अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस कीमत पे अभी वो बेच रहे उसे आधे कीमत में आपको दिया जाएगा। जी।